स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहा है शो अनुपमा जितना पॉपुलर है उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच इस शो के किरदार। उन्हीं में से एक किरदार है राखी दवे का। ये किरदार अनुपमा की समधन का नकारात्मक किरदार है जो हमेशा अपनी बेटी किंजल और अनुपमा के बेटे परितोष की शादी को तोड़ने में लगी रहती है और साथ ही अनुपमा की जिंदगी में भी काफी मुश्किलें पैदा करती रहती है। इसी नेगेटिव किरदार को अभिनेत्री तस्नीम शेख काफी खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारती नजर आ रही हैं और साथ ही ये दर्शकों को खूब एंटरटेन भी कर रही हैं। लेकिन दोस्तों आप राखी दवे का किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री तस्नीम शेख के बारे में तो ज्यादातर बातें अब तक जान ही गए होंगे, लेकिन शायद ही आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते होंगे कि आखिरकार ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली में कौन है और वो सभी मेंबर्स क्या कुछ करते हैं और आखिर इनके परिवार वाले कैसे दिखते हैं। अगर आप भी इनके परिवार से जुड़े इन सभी सदस्यों के बारे में जानना चाहते हैं ना तो बस हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही इस दमदार अभिनेत्री और कलाकार के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अनुपमा सीरियल में राखी दवे का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री तस्नीम शेख कश्मीर की एक बिजनेस क्लास मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके परिवार में कुल मिलाकर 5 मेंबर्स हैं जिनमें ये इनके पिता इनके मम्मी हस्बैंड और बेटी शामिल हैं। पहले बात कर लेते हैं इनके माता पिता के बारे में जो कि अब इस दुनिया में रहे नहीं हैं। साथ ही उनके इंटरनेट पर कोई भी तस्वीर अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों बताया जाता है कि इनके पिता कश्मीर के एक मुस्लिम बिजनेसमैन थे, वह इनकी मम्मी गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला थी। माता पिता के बाद अब बात कर लेते हैं इनके हस्बैंड के बारे में। तो आपको बता दें कि इनके हस्बैंड का नाम समीर नरूरकर है। आपको बता दें कि इनके पति इनकी जिंदगी में एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिसने इन्होंने प्यार किया है और इन्होंने ना तो उनसे पहले और कहीं बाद में किसी और से दिल लगाया है और वो ही इनके पहले और आखिरी प्यार हैं। बता दें कि उनसे प्यार में इस कदर ये दीवानी थी कि एक मुस्लिम परिवार के होने के बावजूद भी हिंदू महाराष्ट्रियन परिवार से ताल्लुक रखने वाले समीर के लिए इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी करा लिया था, अपना नाम तस्नीम शेख से बदलकर तनिषा नेरूरकर कर लिया था, जिसके बाद इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के साथ इन्होंने इनसे धूमधाम से शादी की थी। वर्तमान में ये उन्हीं के साथ शादी को आज काफी समय बीत चुका है जो आज भी दोनों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि इन बीते सालों में ये दोनों ही एक बेटी के माता पिता भी बन गए हैं जिनका नाम टिया नरूरकर है। वो भी वर्तमान में 6 साल की हो गई है और अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी के इस अनोखे पल को ये इंजॉय कर रही है। वाल आपको बता दें कि तस्नीम के पति समीर पेशे से एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं। वो नेवी में बतौर चीफ ऑफिसर काम करते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी सक्सेसफुल भी हैं। और दोस्तों अब जब इनकी शादी हो चुकी है तो इनके परिवार में इनकी ससुराल वाली फैमिली भी शामिल हो गई है। आपको बता दें कि इनके ससुराल वाली फैमिली में केवल इनके सास और ससुर ही शामिल हैं जो कि लाइमलाइट से कोसों दूर रहते हैं, इसीलिए उनकी कोई भी तस्वीरें नहीं है और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी इंटरनेट पर या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको तस्नीम शेख की ये प्यारी सी और छोटी सी फैमिली आखिरकार कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करके अपनी राय तो जरूर बताइएगा और साथ ही साथ छोटे पर्दे और बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।